पता नहीं आज क्या हो गया हमारी गौरी को, ये देखो इसकी मुंह से लार भी निकली कितनी ज्यादा, हो दूध भी नहीं पी रही है बिल्कुल भी, खड़ी तो बिल्कुल हो ही नहीं रही है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसको। हे ठाकुर जी रक्षा करो इसकी, इसको कुछ भी ना हो। मैं तो बहुत ज्यादा घबरा गया, और साधना तो देखो रो रही है, पी नहीं रही है दूध, और खड़ी भी नहीं हो रही है बिल्कुल भी, और सांस भी पता अलग तरीके से ले रही है। अभी हमने देखो गौरी के लिए ये आगे जलाई है इससे इसको तपाने के लिए, अभी सुबह उठी तो ये लार पूरी में यहाँ पे मुंह पे लगी हुई है देखो। रात की कितनी खेल रही थी, तुम्हें खान में ले जा रही थी? पहले से थोड़ी ये एक्टिव हुई है, मुझे तो इतना डर लग रहा था कि बहुत नाजुक है भाई चाहिए, बहुत नाजुक है, इसका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। अभी ठीक है थोड़ा, देखो पहले से सांस ले ही नहीं पा रही थी सही से, तो ये दो बोतल अभी दूध पी लिया इसने, और देखो थोड़ा अब एक्टिव भी लग रही, सांस भी सही से ले रही। अस्पताल भी जाना है, ट्रेन है हमारी 2 बजे की, और जान में जान आई। ये थोड़ा पहले से ठीक है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा ठीक है, नहीं तो सुबह तो ऐसे सांस ले रही थी कि पता नहीं क्या हो गया, ना तो खड़ी हो रही थी ना तो दूध पी रही थी, लेकिन अभी पहले से बहुत ज़्यादा सही है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा नाजुक है ये, रात को पता ये सो गई और इसका मुंह ना ऐसे ज़मीन पे, मतलब कि खाली था ना तो ज़मीन पे ऐसे मुंह रखे रह गई, तो इसको उसी से ठंड लग गई। पर हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते, इसको ये सिकाई नहीं करते इसकी, तो मुश्किल था कि ये बचती, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से सब बढ़िया हो गया इसका। देखो हमने डॉक्टर साहब को बुलाया, तो डॉक्टर देखने आया इसको, डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ये सर्द में दब गई है, मतलब इसको सर्दी लग गई है, टेम्परेचर काफ़ी डाउन है इसका, तो इसको लग रहा है इंजेक्शन, इसको हो गया निमोनिया, हाँ सर्द में दब गई है, आराम से ही लगाएं, क्या टेंशन ले रही हो तुम, तुम घबराओ नहीं, काय को टेंशन ले रही हो, ठीक हो जाएगी। हाँ पहले से कितनी एक्टिव हो गई है, और डॉक्टर साहब कितने अच्छे हैं, इनने पैसे भी नहीं ले रहे हैं, कह रहे हैं हम ऐसे पैसे नहीं लेते हैं ऐसे जानवरों के, और इसको काफ़ी सारे इंजेक्शन भी लग गए हैं, निमोनिया है बता रहे डॉक्टर साहब के, मतलब ठीक हो जाएगी। देखो लगभग 1 बजने वाला है और हमारी 2 बजे की ट्रेन है, यहाँ पे साधना पिला रही है इसको दूध, लेकिन हम जा रहे हैं 2 दिन बाद मिले, हम 2 दिन बाद मिलेंगे मम्मी, लेकिन इमरजेंसी जाने भी है तो छोड़ क्या करें। तो गाइस अभी तो दूध पी रही है ठीक है पहले से काफी, कहा मम्मी सुनो तो ध्यान रखना है आपको, जाको भज्जा हमका जान अतरंजा हमें से पा रहे कह रहे ध्यान रखिए बस, और ठाकुर जी की कृपा है, बाकी ठाकुर जी की इच्छा है, जो उन्हें मंजूर होगा वही होगा। खून भी बागो जब मन लगो तो सरन जितनी कुछ रहे थे खून ही नहीं कर रहा होता। 2 बजे की ट्रेन है ना तो टाइम से पहुंचना है, कल रात को इसको इंजेक्शन लगे थे, तो इसको वहाँ पे सुबह 9 बजे पहुंचना बहुत जरूरी है, वहाँ पे इसके एग पिकअप होंगे, बाकी जो भी होगा जैसे भी होगा सब बताएंगे हम आपको, बाकी वैसी कोई दिक्कत नहीं है, इसी की गौरी की चिंता हो रही क्योंकि इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई थी सुबह, कितनी दम दिखा रही है अपनी, भाई साहब सुबह तो हिल नहीं रही थी बिल्कुल, साधना छोड़ियो ना छोड़ियो, देखो देखो ओ तेरी देखो कितना को भाग रही है, दादी गाइस देखो देखो गाइस इसको देखो कितनी ताकत आ गई, देखो इसमें मेरा पीछा नहीं छोड़ रही बिल्कुल देखो तो ओ भाई साहब, अरे देखो कितनी दौड़ रही, देखो गाइस कितना चल रही, मैं थक गया। हम लोग जा रहे हैं इसको रख देंगे स्टेशन पे ही, और वहाँ से हमारी ट्रेन है 2 बजे की, देखो साधना बाय बाय कर रही है गौरी को, चलो राहुल भाई ध्यान रखिए आपको ठीक है, सिवांश नहीं है तुम्हारी जिम्मेदारी है, सिवांश की तरह ध्यान रखना है इसका, बाकी ठाकुर जी हैं ठाकुर जी रक्षा करेंगे, सुबह तो भैया ठाकुर जी ने रक्षा करी, बिल्कुल स्वास्थ्य अच्छी है वो, आ जाओ साधना चलो टेंशन नहीं करना भैया। यहाँ रख दिए हमने अपनी जुपिटर, रात में आ रहे हैं कब आ रहा है तो अपनी गाड़ी उठाओ और चले जाओ, नहीं तो फिर टैक्सी करो फिर घर तक जाओ, चलो चलते 15 मिनट बचे हैं अभी, 1:45 हो गए, ऐसा मैं अजीब सा लग रहा हूँ, एक्चुअली क्या है कि बाल झड़ना रुक ही नहीं रहे हैं, तो इसलिए मुझे बार बार बाल काट लेने पड़ रहे हैं, तो वो जो मैंने हेयर वाली किट मंगवाई थी ना तो वो मैं अब यूज करूंगा, तो अभी तो मैं यूज नहीं कर रहा था, अब मैं यूज करूंगा, तो अब मैं ना तो कैप लगाने वाला हूँ ना ही टोपा वगैरह कुछ भी, ऐसे ही खाली छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बोला था कि कैप वगैरह मत लगाओ उससे भी बाल की ग्रोथ रुक जाती है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है और S1 में हमारा, तो अभी हम S1 कोच तरफ जा रहे हैं, ये देखिए चल भी मैं थक गई, बाकी सारा सामान तो मैं लेके आया, थक गई तो भैया जा आ गई हमारी ट्रेन, ये ड्राइवर
जर्नल तो देखो कैसे भरे हैं। हमेशा पल्लो इस तरफ जाते थे, यहाँ से ट्रेन आती थी, आज इस साइड जा रहे हैं यहाँ से ट्रेन आई है। जो ये ना जो अपनी क्रॉसिंग बंद मिला था, हाँ ये अपन अपनी वाली क्रॉसिंग से निकलेंगे। ये है देखो S1, तो इसमें ये हमारा सीट नंबर 37 और 38 है। चलो आओ चले। आज दिमाग काम नहीं कर रहा है हमारा, कोच था S7 और मैं S1 में हम लोग घुस पड़े, और हम लोग उनसे कह रहे हैं 37 38 हम आइए, वो कह रहे हम आइए, मैंने कि हम आइए, वो कह रहे हम आइए। फिर देखा मैंने, मैंने कहा यार आज गौरी की तबीयत खराब थी ना, तो उसकी वजह से दिमाग चल नहीं था, आज हमारा दिमाग वहीं अटका पड़ा है उसी में ही। चलो अब 7 में जा रहे हैं, S7 में हमें हमारी सीट मिल गई है। ये है एक ऊपर है, अभी तो नीचे बैठे हैं। साधना की बातें बातें चल रही हैं। यहाँ पे भैया हैं, अंकल जी हैं, दीदी हैं। अंकल जी आए महाराष्ट्र से, गोरखपुर जा रहे हैं, भैया छपरा जा रहे हैं, तो बातें बातें चल रही हैं, पता ही नहीं चला बिल्कुल भी टाइम। बहुत बढ़िया है अंकल जी भी और भैया भी। लखनऊ आने ही वाला है, बहुत बढ़िया लगा भैया से बात करके, दीदी से, आंटी से, अंकल जी से, बहुत ही बढ़िया। आपसे भी मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा सब बताया भी, आपके वीडियो के बारे में बताया, बहुत अच्छा लगा। ठीक है। हम लोग पहुंच चुके हैं लखनऊ, तो अब यहाँ से हमको भैया पिक करने आए हैं, उन्हीं से मिलवाएंगे, चलते हैं। भीड़ देखो कितनी भीड़ है वहाँ पे सब लोग। हम लोग आ चुके हैं लखनऊ स्टेशन के बाहर, देखो कितना प्यारा स्टेशन है ये, मस्त लग रहा है यार, अच्छा नहीं लग रहा। देखो फाइनली हम आ गए हैं भैया जी के पास, और ये फौजी भैया के भैया हैं। जब हम लोग लास्ट टाइम आए थे ना लखनऊ और मैच देखने गए थे, तो जिन भैया के घर पे हम रुके थे ना, फौजी भैया के घर पे, तो अभी भी हम उन्हीं के घर पे जा रहे हैं। वैसे तो हम होटल में रुक रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं होटल में रुकोगे और हमारे घर पे जाओगे, तो ये भैया हमें लेने आए, उनके भैया ही हैं ये, तो अभी हम जा रहे हैं घर पे, तो चलो चलते हैं। सरप्राइज, वही तो आवाज भी नहीं किया। देखो भैया हम लोग आ चुके हैं सैली के घर पे। सैली, हमारा हेयर स्टाइल कैसा लग रहा तुम्हें? आपके बाजू नहीं है। चलो। हाँ जी, तो सैली कैसे हो फिर? बढ़िया। बढ़िया हो? हाँ। पढ़ाई कैसी चल रही? सब सही चल रही है। चलो अच्छी बात है। आ गए हम लोग भैया घर। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का सेकंड T20 चल रहा है, ये देखो आराम से लेट गई आके, आराम है, हैं? चलो बढ़िया है। ये देखो भाभी लेटी हैं, भाभी राधे राधे। कैसे हो आप? अच्छा। देखो भारत ने मैच भी जीत लिया, और खाना पीना हो ही गया हमारा। अब मैं ये वीडियो एडिट करूंगा, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है और सुबह जल्दी जाना है हमें, तो चलो वीडियो खत्म करते हैं। आई होप गाइज आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज गाइज वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो, सभी को राधे राधे।